सभा को खत्म करने से पहले एक बस एक छोटी सी कहानी सुना के आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप जीवन है क्या। मैं एक बार क्लास 11 को पढ़ा रहा था तो मुझे किसी ने पूछा कि सर आप कहते हो कि इतना पढ़ो ये पढ़ो, सर पढ़ के मिलेगा क्या, होगा क्या, मतलब क्या हो जाएगा हमारे जीवन में। तो मैं पैसा ज़्यादा आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आखिरी लड़ाई सम्मान की है। और अगर आपको पढ़ के सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप किसी और को किसी और जगह पे अपना कार्य करके सम्मान ले लीजिए। भीड़ से हटके चलना है तो आपको कुछ अलग बन के दिखाना होगा। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब भगवान राम अयोध्या जा रहे थे, भगवान राम लंका जा रहे थे, जब उनकी सीता माता का हरण हो गया रावण में, तो रास्ते में सबने सुनी होगी उनको जटायु मिले, सबने सुनी होगी ये कहानी, सबने रामायण देखी होगी, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत चली, आप सबने देखी होगी। तो कुछ संदर्भ आपको स्क्रीन्स में नहीं दिखाए जाते, वो आपको किताबों से पढ़ने पाएंगे, क्योंकि रामायण बहुत अलग अलग प्रकार की है। तो जब उनसे उन्होंने पूछा कि बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं हर एक बच्चे को कहूंगा प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, और इस बात को घर लेके जाना अपने। आज मैं हर बार बड़ी क्लासेस को पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चों को नहीं बता पाता हूँ बहुत सारी बातें, पर मैं बड़े बच्चों को जितना बता पाता हूँ उतना ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज। तो जब वो गए, उन्होंने भगवान राम, क्योंकि रावण से लड़ने के बाद आपके धरती पर गिरे हुए थे, और रास्ते पर जब उनको वो मिले तो उन्होंने उन पक्षी को देखा और उनके पास गए, उनसे उन्होंने पूछा, उस जमाने में शायद वो बात भी करते हैं, उनको समझ में आती है उनकी बात, उनकी भाषा। उन्होंने उनसे पूछा कि आपको किसने ये करा, तो उन्होंने बोला कि एक आदमी था जो आपकी वाइफ को हरण करके ले जा रहा था, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। और उन्होंने बोला कि चलो जो भी है, उन्होंने बताया कि वो एक राक्षस है, वो रावण है, वो वहाँ रहता है। तो उन्होंने बोला, जब उन्होंने अपना परिचय दिया आप कौन है, तो उन्होंने बोला मैं दशरथ पुत्र श्री राम हूँ। उन्होंने कहा आपके पिताजी को तो मैं जानता हूँ, आपके पिता और मैं तो देवासुर संग्राम में साथ में लड़ाई करी थी हमने। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अब क्या करें, तो राम भगवान ने कहा, जब उनको पहचान गए तो उन्होंने कहा कि चलो आपको क्या, आपको चिकित्सा की जरूरत है, आपको उपचार की जरूरत है, वैद्य ले आते हैं कुछ कहते हैं। उन्होंने कहा अब मेरे पे इतना समय नहीं है कि मैं बच पाऊंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। कई बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर एक बच्चा भी इस बात को ध्यान देके घर पे लेके गया ना, कसम से मजाक नहीं कर रहा, कल से वो बदल जाएगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ। तो उन्होंने उनको बोला, उन्होंने कहा कि अब तो मेरा मृत्यु निश्चित है, उनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी, राम भगवान जी के भी। उन्होंने कहा कि मैं मरने के बाद में जब स्वर्ग जाऊंगा तो आपके पिताजी से कुछ कह दूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर चल रहा है, कुछ नहीं पता उसे कौन है रावण, कितनी बड़ी सेना है उसकी, कुछ नहीं पता उनको। मैं कह रहा हूं एक एक बात, अपनी बात आज घर पे लेके जाना, इस बात को लेकर अपने दिमाग में बैठा के रखना। मैं बेटा देखो, मैं ना तुम लोगों को, मैं आज हर पेरेंट्स को भी ये बात बोल रहा हूँ जो भी बैठे हुए यहाँ पे, हमारे टाइम पे एक बंदर आता था, चाबी भरते थे, वैसे ऐसे करता रहता था, आपने देखा होगा बचपन में, सभी लोगों ने देखा होगा। मैं रोज चाबी नहीं भर सकता तुम लोगों के अंदर, एक ही दिन भर पाऊंगा, रोज नहीं भर पाऊंगा, वो आपको लेके जानी पड़ेगी अपने साथ में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद से। तो जब उन भगवान ने उनको बोला कि मैं आपके पिताजी से कुछ कह दूं कि बेटा का क्या हो गया है, ऐसी ऐसी स्थिति में है, तो भगवान राम ने कहा कि आप प्लीज उनको कुछ मत बताइएगा, मतलब उन्होंने अपनी कृपया आप उनको कुछ ना बताइएगा। उन्होंने एक बात करी, कुछ नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ नहीं पता उनको अभी, कि समुद्र नागना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं पता। उन्होंने बोला अगर मैं श्री राम, तो रावण खुद जाएगा कुल समित जाके बताएगा कि मैंने क्या, मेरे बेटे, तुम्हारे बेटे ने क्या करके दिखाया, खुद जाके बताएगा। मेरे को इतना, मतलब इस बात को सोच के इतना हो जाता है, उसको उनको पता तक नहीं है कि कौन है रावण, क्या है रावण, उसका क्या, उसकी सेना है, कितना बड़ा वो राक्षस है, कुछ नहीं पता है, पर फिर भी देखो कॉन्फिडेंस कितना है अपने अंदर।
कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है। पूरे रामायण के अंदर मेरे को बहुत सारी बातें जानने के लिए है, बहुत सारी बातें सीखने के लिए, पर आप लोग खुद सोचें उस व्यक्ति के अंदर कितना कितना आत्मबल होगा कि वो सोच रहा है कि नहीं यार, वो रावण खुद जाके बताएगा मेरे पिताजी को कि मैंने क्या करके, मेरे तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमेशा बच्चों के नाम से माँ बाप पहचाने जाते हैं, अगर आप कुछ अच्छा अपने जीवन में कुछ कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा, हर एक बच्चे को ये कहना चाहूँगा कि ये आपका डिसीजन है बेटा कि आपको करना क्या है और आपकी जर्नी है। मैंने कल भी टेंथ वाले बच्चों को बताया था, हर बार बताता ही रहता उनको, लोग बर्थडे पार्टी करते हैं, लोग क्रेडिट कार्ड पे बर्थडे पार्टी करते हैं, ईएमआई पे पार्टी कर रहे हैं, आज पार्टी कर दिया ईएमआई भर रहे हैं उसके 2 साल तक। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसने अपना बर्थडे कैसे मनाया होगा, सोच रहे हो आप? एलोन मस्क ने उसने अपना 47वां बर्थडे मनाया अभी, कि उसने कहा मैं 24 घंटे काम करूंगा, मतलब जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक स्पेशल होता है, उसके अंदर एक स्पेशल कला होती है, बस आपको उसको पहचानने की जरूरत है। यू हैव अ कैलिबर टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। हर किसी बच्चे के अंदर वो जरूर है कि वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है, पर वही है कि उसको थोड़ा सा पहचानने की जरूरत है कि वो करना क्या चाहता है अपनी लाइफ के साथ। बाकी आज की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए जो भी पेरेंट्स आए, मैं उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो बच्चों को नहीं मिला है, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो एक ऐसे संस्थान से जुड़े, मैं हर पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि जहाँ पर उनके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए। मैं कहता हूँ कि वो आप अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचें, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग दें, कहीं भी उसका हाथ ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप उसका हाथ छोड़ दोगे तो फिर उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, है ना। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, रमाकांत आचार्यकर सर की बात सुनोगे तो वो स्कूटर पे लेके सचिन तेंदुलकर को 6-6 ग्राउंड खिलाते थे, 6-6 ग्राउंड पे ले जाते थे, 6 ग्राउंड के अंदर उसको वो लेके जाते थे अपने साथ अपने स्कूटर पे, इतनी जगह वो एक ही दिन में 6-6 मैच खेलता था वो अपने स्कूल से आने के बाद। और जब वो घर आता था उसकी मम्मी उसे खाना खिलाती थी, पापा पैर दबाते थे, कितनों के माँ बाप ऐसा करते होंगे। तो मैं पहली बात ये कहता हूँ, आपको अपने बच्चे को तेंदुलकर बनाना है, आपके अपने बच्चे को एपीजे अब्दुल कलाम बनाना है, आपके अपने बच्चे को कुछ भी बनाना है, आपको भी बनना पड़ेगा, सबको बनना पड़ेगा, हमको बनना पड़ेगा, सबको बनना पड़ेगा, बच्चे को भी बनना पड़ेगा।